वेलकम टू पढ़ाई ब्रो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। टुडे वी आर गोइंग टू डू इजी ट्रिक्स टू लर्न 1 to 20 एटम्स एंड देयर सिंबल्स एंड द एटॉमिक मासेस। सो द ट्रिक लर्न टू 1 to 20 एटम्स इज लर्न द 1 to 20 एटम्स लाइक अ सॉन्ग। हियर Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. अगर आप इसको बार बार बोलते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा मेरी तरह। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो बस ये लास्ट में थोड़ी दिक्कत होती है, पर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाओगे। सो अवर सेकेंड ट्रिक इज टू लर्न देयर सिंबल्स। व्हाट इज इट? इट इज रूल नंबर 1, 2, 3। रूल नंबर 1 में क्या बताया गया? रूल नंबर 1 में बोला है कि जो एलिमेंट की स्पेलिंग है उसका फर्स्ट लेटर होगा उसका सिंबल। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। रूल नंबर 2 में क्या बोला है? फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट विल बी द सिंबल फ्रॉम द स्पेलिंग। यानी कि पहले दो लेटर्स जो एलिमेंट की स्पेलिंग के अंदर हैं वो होंगे उसके सिंबल्स, लाइक सिलिकन SI। रूल नंबर 3 क्या है? द फर्स्ट एंड द थर्ड लेटर विल बी द सिंबल फ्रॉम द स्पेलिंग। यानी कि पहले लेटर का अगर पहला लेटर है तो फर्स्ट रूल है, पहले दो लेटर्स हैं तो सेकेंड रूल है, और पहला और तीसरा है तो थर्ड रूल है। वो हम स्पेलिंग देख देख के पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा रूल लगना है। H हाइड्रोजन, यानी किसका H है? HE तो किसी का था। हीलियम, लिथियम, Li, बेरियम, BE, बोरोन, B, कार्बन, C, नाइट्रोजन, N, ऑक्सीजन, O, फ्लोरीन, F, नियोन, Ne, सोडियम, Na। बस ये सोडियम का जो है ना, सोडियम का आपको याद रखना पड़ेगा, सोडियम को आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम के इनमें से कोई रूल नहीं लगता। बस ये एक ही है और एक ही वाला है। पोटेशियम और सोडियम आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी सब रूल के अंदर फिट होते हैं। मैग्नीशियम MG, ये थर्ड रूल है। एल्यूमिनियम AL, सेकेंड रूल। सिलिकॉन SI, फॉस्फोरस P, फर्स्ट रूल। सल्फर S, क्लोरीन CL, ये थर्ड रूल है। पोटेशियम K, कैल्शियम CL। तो आप रूल्स को ध्यान से पढ़ें और स्पेलिंग, आप सिंबल्स को एक बार उंगली रखें और सिंबल्स की स्पेलिंग्स को देखें, मतलब सिंबल्स नहीं एलिमेंट्स की स्पेलिंग को देखें। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का H, हाँ याद आ गया, वीडियो में बताए, हाँ वही है। चलो पेपर में ऐसे करके आए, चलो हो गया। तो ऐसे अगर आप बार बार नहीं देखोगे बोलोगे तो याद हो जाएगा। तो हमारी तीसरी ट्रिक है एटॉमिक मास फाइंड करने की 1 से 20 तक के एलिमेंट्स की। तो पहला रूल है कि इवन, जो अगर इवन नंबर है उसका, यहाँ पर लिखा हुआ है ना SR नंबर, यानी कि उनका 1, 2, 3 कौन से नंबर पे लाया करता है वो, तो उसका एटॉमिक नंबर वही होगा। एटॉमिक नंबर इंटू 2 इवन के लिए, और ऑड के लिए एटॉमिक नंबर इंटू 2+1। तो सबका एक जैसा है, बस हाइड्रोजन वो फर्स्ट है तो 1 × 1 होगा उसका, 1 ही रहेगा। और 4 को छोड़ के, 7 को छोड़ के, 17 को छोड़ के, बाकी सब में ये रूल अप्लाई हो रहे हैं। जो इवन है उसमें इवन वाला, जो ऑड नंबर है वो ऑड वाला। 4 के अंदर ऑड वाला लगेगा, अपोजिट इसमें दूसरा लग रहा है 4 वाले में, और 7 वाले में इवन वाला लगेगा, और 17 में 0.5 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना ओनली 70 वाले का होगा 13.5। सो फॉर द क्लोरीन 17 2 जा 71 से 17 72 जा 34 34 प्लस 1 ऑड है तो 35 हो गया, 0.5 प्लस, इसमें अलग से कुछ है। सिलिकन, अब सिलिकन है हमारा इवन नंबर, तो इवन के अंदर 2 होगा, प्लस 1 नहीं होगा, तो 14 2 जा 28 28 है इसका एटॉमिक मास। 11 है ऑड नंबर, तो 2 11 × 2 प्लस 1 होगा तो 23 हो जाएगा।
ऐसे ही सारे ऐसे होंगे। आप अपनी नोटबुक पे एक बार लिख के चेक करके देख लीजिए, ये मेथड सही है। और बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम्स अपकमिंग इन द मार्च और फेब्रुअरी। और अगर आपको इससे कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछें।